उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस्लामी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 दहशतगर्दों को महज 7 दिन में पकड़ लिया है। इनमें सहारनपुर के कुंडा कला का मोहम्मद नदीम भी शामिल है। एटीएस को नदीम के लोकेशन देवबंद के एक मदरसे में मिली थी। मदरसे तक वो पाकिस्तान से आए उर्दू में लिखे फिदाइन हमले वाले पीडीएफ को पढ़वाने जाया करता था। इसी में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या का जिक्र था। पकड़े गए मोहम्मद नदीम और फतेहपुर के हबीबुल ने देश के 5 राज्यों में नेटवर्क फैला लिया था। 12 दिन की रिमांड के पहले दिन की ही पूछताछ में आतंकियों के नेटवर्क के क्लू एटीएस को मिले हैं। पूछताछ में एटीएस अफसरों से हबीबुल ने कहा कि देश में गैर इस्लामी लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर नूपुर शर्मा जैसे लोगों को। हबीबुल और नदीम के मंसूबों को जानकर एटीएस चौकन्ना हो गई है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गंगोह से पकड़े गए आतंकी नदीम को रिमांड पर लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में जब भी कहीं आतंकी पकड़े जाते हैं उनका संबंध देवबंद से जरूर निकलता है। ये कई बार प्रमाणिक हो चुका है। देवबंद का दारुल उलूम आतंकी जननी है। दारुल उलूम सहित अन्य सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इनमें आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। इन मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, साथ ही दारुल उलूम पर ताला लगा देना चाहिए। मैं पहले से बोलता आया हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी खूंखार आतंकवादी हैं या देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसके संपर्क और संबंध ये देवबंद से मिलते आए हैं, और देवबंद का दारुलूम ही आतंकवाद की जननी है। देवबंद के अंदर दारुलूम सहित अन्य जितने भी मदरसे चल रहे हैं सब में आतंकवादी की शिक्षा दी जा रही है, आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, और आतंकवादी तैयार करके देश के भिन्न भिन्न स्थानों में भेजे जाते हैं, दुनिया में अलग अलग स्थानों में भेजे जाते हैं, और जो पूरी दुनिया को आज उन्होंने टारगेट बनाए रखा है और ये इस्लामीकरण करना चाहते हैं। बिहार के अंदर 2047 तक हम हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देंगे, और ऐसा एक मानचित्र वहाँ से एक आतंकवादी संगठन के कार्यालय से पकड़ा है। सीधा सीधा प्रमाण है इन लोगों की मनसा क्या है, भविष्य के लिए बहुत खतरा है। मैं प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग करूंगा ऐसे मदरसों को चिन्हित करते हुए और इन पर बुलडोजर की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। देवबंद के दारुलूम पर ताला लगाया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी यहीं से निकल रहे हैं। तो वहीं एटीएस की साइबर एक्सपर्ट की टीम जैश ए मोहम्मद के यूपी में फैले नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। एटीएस हबीबुल और नदीम के ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा कर उससे जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो दूसरी तरफ इस मामले पर अब जमकर राजनीति भी होने लगी है, और देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने वक्त में इस मामले को लेकर और बड़े खुलासे होते हैं। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।